हम आ चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं अनवर ऑटो वर्क्स। ये थोड़ा सा टूट गया है यहाँ से। मैं बहुत दुखी हूँ आज की। कुल्लू की पैर देखे? हाँ, कुल्लू कुल्लू। हाँ, बच्चा को देखे? हाँ, वो देख रहा मैं। ठंडा पी के मुझे और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। तो दोस्तों, कुल्लू से हम वापिस आ चुके हैं और हमारा जो लेफ्ट साइड का फ्रंट वाला फ्लैप है वो टूट गया है। वो भी मैं आपको भी बता दूंगा। वो मैंने भी कलेड़ी से ले लिया तो खुद ही काटना पड़ा, नापना पड़ा। तो मेरे को, मैं अकेला हूँ, आपको पता, तो बताने का मौका नहीं मिला मेरे को। तो अभी चलते हैं भाई के पास अनवर ऑटो वर्क्स, वहाँ पर जाके देखते हैं कि मुआयना करते जरा, और आपको बताता हूँ कि कौन सा फ्लैप लगाया और कैसे लगाएंगे। तो मिलते हैं अभी बुजुर्गा में। बाय बाय। हम आ चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं अनवर ऑटो वर्क्स, और हमारे तेजू भाई हमारी दूसरी गाड़ी का मुआयना कर रहे हैं। तो हमारी दोनों गाड़ियां लगी हुई है यहाँ पर, बिल्लो और पुरानी बिल्लो, ठीक है, बेंज ग्रुप। गाइस, गाड़ी हमने रखी स्टार्ट ही, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या पंगा पड़ा हुआ है। ये है वो जो पंगा पड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा टूट गया है यहाँ से, और बेल्डिंग भी हमारी टूट गई है। इसको हमने थोड़ा सा बेल्डिंग करवा देना है यहाँ से, गच वाले स्टाइल से। फिर हम ये जो फ्लैप है ये हमने नया लिया हुआ है, फिर हम इसको फिर से लगाएंगे। तो वहाँ पर थोड़ा जंप वाली जगह थी तो इसलिए टूट गया, तो मैंने डाले में डाला हुआ नया वाला भी निकाल के बताऊँगा मैं। तो इसको स्टार्ट रखा, थोड़ी सी बेल्डिंग करनी है। तो ये फोर मैन जी को लेके आते पहले। कहाँ है हमारे फोर मैन जी भाई? ओनली वन टोट। ओ अरे बड़ा भारी है, चल तू यहाँ पर देखे लाइन पहली बार भाई दिस डीलर दीजो मार दे मैं ये बासल के साथ ही मार दे, चाहे नट मत जोड़ना ना। वारा रोड ही है था तेजू भाई, क्या करना, लेट बच गई हमारी। बम्पर देखे लांदा थी जो पहले बोलता मैं। गाइस, अभी इसको की जा रही है टोचन ऊपर लाई दे वारा गुरु। वो नट्टा देखे तू चिपकांदा वारा मेरे भाई, नट काट दे नहीं था पहले। तो गाइस देखो, यहाँ पर एक कमीना भी उतार रहा है, मतलब निकाल रहा है नट वगैरह हमारे फोर मैन जी। तो ये वाला फ्लैप लाया हमने भाई, न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू। इसको लगाएंगे हम अभी गच स्टाइल से, तो फिर इसको लगाना है यहाँ पर और छेद छोड़ डाल के बढ़िया। फिर अब ज्यादा बकवास ना करते हुए इसको लगाने के बाद मिलते हैं सीधे। बाय बाय, मैं भी इंजॉय करूँ थोड़ा। अब छेद डालने की तैयारी हो रही है भाई। 0-0 पाया रहा जीवन, फिर पर आऊं दे भी नहीं आऊं। फोर मैन जी से हमने बहुत ही क्लीनरी करवा रहे हैं, तो क्लीनरी करानी बहुत ही जरूरी होती है इनसे, नहीं तो ये बाज नहीं आते। मंगा रहा हूं, चलो भेजो। गाइस जा रहे हैं, गाइस चलो हमारा फुल पावर। हाँ, कुल्लू कुल्लू। हाँ, बच्चा को देखे? हाँ, तो गाइस पसीने से लथपथ तू मारा भाई। भाई बहुत ही गर्मी है, बहुत ज्यादा, बहुत ही सुशील हार्ड मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ देखो तेजा भाई के पसीने, तेजा भाई यहाँ देखो
भाई, भाई की मेहनत देखो, तो भाई को काम करते करते पसीना आ रहा है और हमारे को यहाँ धूप में खड़े खड़े पसीना आ रहा है, क्योंकि पीठ पीछे कभी भी अच्छा काम नहीं करता। जो भी आप यहाँ काम करना चाहते हैं इसका काम सामने करवाना है, पीठ पीछे झाड़ा माड़ा कर देता है। झाड़ा माड़ा मीन्स खराब, सामने जो काम करता ना भाई ये बंद। तो अभी देख लो लास्ट नट रह गया कसने को हमारा, नहीं इसके बाद दो नट और भी हमारे। ये फ्लैप कहाँ लिया आपने है? इसको देखो बिना छाया में बैठ के भी पसीने आए। हाँ छाया काम करे काले हाथ हुए। तो भाई ये फ्री टाइम मिलता है हमारे को तो हम गाड़ी की मेंटेनेंस ही करते हैं, तो बहुत यार बुरे हाल हो गए धूप से। थोड़ा ठंडा वगैरह मंगाया, अभी ठंडा भी पियेंगे तो अभी। सुनो कपड़े मत गंदे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फ्लैप कहाँ से लिया आपने? ये लिया हुआ अबू भाई को, रहे नहीं एक बंदा वहाँ मिलता है स्पेयर पार्ट सारा सारा 300 रुपए का मिला, इतना करे। खुला है वो? खुला है वो। हमारा ठंडा आ चुका है कोका कोला द ब्रांड, तो हमारे नदीम भाई ने लिया है। मार दे। तो अभी हम कर रहे हैं कोका कोला पार्टी। पकना नहीं है, खाना है अकेला। तो चीयर्स गाइस। भाई इसको पता क्या बोलते हैं, गर्मी में ठंडे का मजा। चीयर्स। खाली ग्लास है मेरा। चीयर्स। ओके ठंडा पी के मुझे और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। तो ये हमारा जो फ्लैप है लग चुका है, अब जाएंगे हम गाड़ी धोने। गच वाड़ी इधर कीचड़ कुचड़ पड़ा है, तो देख सकते हैं आप एकदम फुल पावर गच वाड़ा लग रहा है। अब कीचड़ पीछे नहीं जाएगा, ठीक है, जैसा कि हमारा ये लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा ही लग जाओ हमारा परे भी। दिन के बज गए एक, हम जा रहे खाना खाने, तो आप लोग भी खाओ, मिलते दोस्तों खाना खाने के बाद। बाय बाय। गाइस खाना वगैरह हो चुका है, और यार मेरे को भी गाइस गाइस बोलने की आदत पड़ गई है। बोलना तो नहीं चाहता था, पर मैं सोचता था कि यार मैं कभी गाइस गाइस नहीं बोलता था, मेरे को आदत तो पड़ गई है बस। तो गाइस को बंद करते हैं आज। तो दोस्तों अभी मैं खाना खा के आ गया हूँ वापस, ठीक है। तो क्रेशर पे गया था तो फिर से मेरे माइंड से निकल गया कि मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। तो मैंने अभी NMM किए लोड, जो कि मेरे को ले जाने शमसी नहीं, जो कि मेरे को ले जानी है जिया, ठीक है। तो 10 mm लोड है गाड़ी में, तो मैं जिया जा रहा हूँ। तो बार बार आपने, आप सभी को पता है, जिया और शम्स जरूर तो आपने देखा हुआ है। कुछ अलग होगा रास्ते में, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। बाकी अभी एक बिजौरा पुल जो है नया बना हुआ है, तो उस पुल गन को डाल रिव्यू दूंगा आपको। थोड़ा पैदल जाऊँगा वहाँ घूमने वगैरह, तो बता दूंगा आपको वहाँ गच वाला पॉइंट जो है, तो अगर टाइम लगा तो, ठीक है। तो अभी जा रहा हूँ जिया जा रहा हूँ जिया, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद अगर कुछ नया होगा। साल इंतजार करने के बाद हम 4 लाइन का लुफ्त उठा रहे हैं अच्छे से। तो भाई अभी भी थोड़ा काम बचा हुआ यार। पहले यहाँ से इतने गड्ढे और इतना कीचड़ होता था कि मतलब भाई बुरी हालत हो जाती थी। जब से रोड बना है ना भाई, हमारे को बाजार से जाने की जरूरत ही नहीं है, ना हमें जाम लगता है, और बढ़िया से यहाँ चले हुए गच करके। मज़ा आता है यहाँ से गाड़ी चलाने का, और टाइम कवर होता काफ़ी, पर टायर की तो चटनी बन जाती, क्योंकि आपको पता है ऐसी गर्मी और ऐसी हीट और थोड़ी स्पीड तो रहेगी भाई ऐसे रोड में, तो टायरों की हो जाती बुरी हालत। बाकी ऐसा कि टाइम कवर हो जाता है, जाम नहीं लगता है, मतलब मज़ा आता गाड़ी चलाने का। बाकी मैं बिजिया पहुंचने वाला हूं, तो गाड़ी खाली करेंगे तो मिलते हैं सीधा फैक्ट्री में। गाड़ी निकल चुका है, पीते वगैरह हमने लगा दिया है, और ये हम अब यहाँ से खोपचे से लिफ्ट उठा रहे हैं बिल्कुल स्टाइल से। माल देखो मजे मजे से खाली हो रहा है, तो दोनों तरफ पूरा ध्यान रखते हुए इस तरह हमेशा भी आराम से गाड़ी चलानी और आराम से गाड़ी चलानी है, ताकि आपका गाड़ी का भी कोई नुकसान ना हो और बंदों का भी नुकसान ना हो। गैंग लगी हुई है काम पे देख लो भाई, और एक चाचा गया हुआ है डाले की कुंडी लगाने, और ये मटेरियल आया मैंने बिल्कुल साफ बड़ा एकदम गच वाला है ना, वीडियो बन रहा है आपका। तो मटेरियल खाली और मैं चला अब क्रेशर। तो भी मेरे को क्रेशर से पंडित जी का फोन आया था कि डिमांड है, दूरी तो थी गाड़ी, बट पहले काम जरूरी है, पहले काम करूँगा फिर मैं गाड़ी दे जाऊँगा अगर टाइम बचेगा, नहीं तो कल तुम्हारे भाई का ऑफ है, तो कल मैं छुट्टी मारूँगा, कल गाड़ी मैं धोने के लिए लगा दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ क्रेशर, तो मिलते क्रेशर पर, फिर देखते कहाँ की डिमांड मिलती, तो करते हैं बात दोस्तों। बाय बाय। हाँ वो दोस्तों गर्मी हो गर्मी हो गर्मी भाई, वाड़ा लगी रहा, वो पंखा चले रहा, वो दोस्तों बढ़िया हुए दोस्तों। तो
यार पंखा तो ऐसे तो गर्म हवा ही छोड़ रहा, पर सारा बहुत है पंखे का। बाकी तो मैंने अभी गाड़ी खड़ी करके चेक करी तो उसके जो गाड़ी के मार रहे हैं तो करते मुआयना गाड़ी का क्या हुआ कैसे क्या हुआ उधर तो नट ही ढीले, तो क्योंकि अभी पीछे ग्रीस करवाई थी अब मेरे बाहर निकाली थी तो उसकी वजह से मेरे को नट हल्के से ढीले रह गए। टाइट करते हैं ऐसा कि हम पहुंचने वाले हैं हमारे ब्रांड न्यू बुजौरा पुल पे। आ चुके हैं आयशर प्रो एजेंसी, तो बिल्लो लग गई है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई साहब हमारा भी चक्का निकाल रहे हैं, गच करके इसको निकालेंगे अभी कि जो रहा है। देखो मिट्टी जो सारी है ना ये लीकेज ही है, तो ऑयल गिरता गया और मिट्टी चिपकती गई। क्यों भाई जी, हाँ इसको जरा भाई जी बढ़िया दूध आके ना यानी जरा सेक्सी वाले स्टाइल में करो इसको, है ना, मतलब बढ़िया काम होना चाहिए गड्डी का। तो अभी इसको खोलेंगे और इसके जो भी है फिर देखते हैं लीकेज क्यों है। लीकेज तो वैसे ढीला रहे हुआ तभी है, फिर से इसमें ना बॉन्ड लगा के फिर से जोड़ के फिर मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर बाद। तो हमारा एक्सेल निकल चुका है और हल्का सा ऑयल हमारा गिर गया है, इसमें जो है ना बॉन्ड ढंग से लगी थी, तभी से ना बॉन्ड को लगाएंगे और गच वाले स्टाइल से जोड़ेंगे टायर को फिर से, तो टाइम टू टाइम काम करवाना सही रहता है। दोस्तों अपना हो चुका है ट्राला तैयार। ट्राला तो क्या है, मेरा ये सब कुछ है ट्राला जान जो भी है भाई। देखो इसमें ना बोर्ड लगा दी हमने, ठीक है, नट वगैरह सारे टाइट है और फिर से एक बार इसको चेक किया जाएगा कि लीक होता है कि नहीं, लीकेज आती है कि नहीं, सिलाव आता है कि नहीं। बाकी काम हो चुका है, ओके, डन डना डन टन टना टन। अब इसको जोड़ेंगे व्हील कवर को फिर निकलते सीधे काम पर, फिर देखते क्या बनता है। तो दोस्तों बहुत ही चलाकियाँ करने के बाद पंखा लगा लेते पहले, तो दोस्तों बहुत ही चला के करने के बाद तुम्हारे भाई को मिल चुका है कुल्लू का चलान। तो मतलब कि चला किया तो क्या, मतलब दिमाग लगाने के बाद देखो जिया गया, फिर मेरे वहाँ टाइम नहीं था, जन से गया काम कराया फटाफट, काम करा क्या क्रेशर और डिमांड कर ली तुम्हारे भाई ने कि अच्छा जब फ्री है तो भाई काम करना है, काम तो करना ही आपको पता है। तो अभी मेरे को भरनी है मिक्स बजरी 10 मिक्स, मतलब 10+20 जो मोटे वाली बजरी होती है और पतले वाली, वो तो दोनों भरनी है मेरे को लेंटर के लिए मिक्स। तो ये जानी अपने नीचे पुराना अपने हॉस्पिटल के वहाँ पर, तो अभी क्या करना हमारे को, करना कुछ नहीं है, गाड़ी का नहीं लोड लोड करने वाली तो खुलू, तो फिर देखते हैं आज मेला मुला भी घूम लेते हैं शाम को। तो बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। लोडर वाले भैया आ चुके हैं और इट्स टाइम टू लोडिंग, तो अभी भाई जी करेंगे लोड गाड़ी हमारी। ये वाला जो है इसको लोडर बोलते हैं, ठीक है, जिनको पता नहीं उनको बता रहा हूँ, बाकी जिनको पता है उनको बता रहा हूँ मैं। वो भी जाएगा सीधा पहले इधर, देगा जजमेंट बोलते हैं इसको, तो भी जाएगा यहाँ, यहाँ से भरेगा 20, फिर उसके बाद पता कहाँ जाएगा, सीधा सीधा जाएगा परे वाली ढेर पे, वहाँ से 10 उठाएगा और सीधा ट्रक में डालेगा। देखना वो कैसे डालते हैं ये क्लच, ये देखो तो अब कर लेते हैं लोडिंग। तो लोडिंग करने के बाद मिलेंगे हम सीधा कुल्लू में। गाइस तो हम जा रहे हैं हमारा नया बजौरा वाला पुल, ये बाबा फुल पावर ड्राइव, आहा भाई ये है मजा भाई, दुनिया से दूर किसी टॉप वाली जगह पर वो फीलिंग आ रही है आपको, देखो आहा गच वाले। अभी दूसरा वाला बढ़ रहा है, बाकी ये वाला हमारा चला है। बताना यार आपको ये हमारा पुल कैसा लगा, जो कि हमारा सीधा जीडी को निकलता है जीडी। तो भाई अब तक कोई टेंशन ही नहीं रही है, तो चलो अभी चेले को उठाना है, मेले में भी जाना है, तो अभी चेले के पास जा रहे हैं, तो चेले को लेते हैं फिर निकलते हैं। ओ बाबा एदि प्लान तुम्हारे तन्नु भैया को डाल, चल ले दोस्तों मोड़ा ना जीडी बाबा, फुल पावर क्राउड है यहां पर, तो थोड़ा अंधेरा हो चुका है, अभी हम गाड़ी उतारने जाएंगे।
वही यहीं लगा दो गाड़ी यार। ओके हो गया, ओके हो गया। तो गाइस हमारी गाड़ी हो चुकी है खाली और अब हम जाएंगे कुल्लू मेले में घूमने। गाइस ये दोनों पागल पागल हो चुके हैं मेले में आ गए। ये दोनों ऐसा बोल रहे कि बोला बेइज्जती हो रही है। क्या बेइज्जती हो रही है भाई, गोल्ड ऑफिशियल साथ घूमे तो मजाक है। कुछ कुछ कोई नसीब होता मेरे साथ घूमना भाई। हाँ तो भाई अंधेरा बहुत है यहाँ, तो मैं ज्यादा ब्लॉगिंग करूंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा बताएंगे बंदे की स्टोरी अलग। बोल बोल भाई, वो खड़ जा भी रे। नहीं बोलूंगा वो कहते फिर।